मेरा नाम मोहम्मद जवान है, फिजिसिस्ट के एक नए लेक्चर के साथ. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अ पावर. सो व्हाट इज पावर? हम पावर को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर को कैसे डिफाइन? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि अगर किसी काम को आप कर रहे हैं किसी खास टाइम में, सो दैट इज कॉल्ड अ पावर. इसे हम क्या कह सकते हैं? पावर कहते हैं. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम्स की एक और डेफिनेशन वैसे भी कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम. किसी खास काम को किसी खास टाइम में करना, इसे भी वर्क कहा जाता है, यानी पावर कहा जाता है. यानी कि अगर हम एक काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान अगर हम उसको किसी खास टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारी पावर कहलाता है. इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी खास काम W को हम किसी खास टाइम T में करते हैं सो वी कैन से दैट दिस इज अ पावर. सो इट इज डिवाइडेड बाय P. इसको फॉर्मूले के जरिए से कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट इट एज P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. कि किसी खास टाइम में हम ये वर्क डन कितने टाइम में कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द पावर. दैट इज कॉल्ड द पावर. यानी कि इस वर्क डन को, अब कोई वर्क डन हो रहा है किसी खास टाइम में, इसे हम पावर कहते हैं. अगर इसकी यूनिट हम निकालना चाहें तो यूनिट हम ऐसे निकाल सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू, यूनिट को हमेशा फॉर्मूले से निकाला जाता है. सो जो वर्क है इसकी यूनिट हमारे पास है जूल, एंड जो टाइम है इसकी यूनिट है सेकेंड. सो कलेक्टिवली वी कॉल इट वाट. क्या कह सकते हैं? वाट. पावर की जो यूनिट है दैट इज अ वाट. हम बिगर यूनिट एक्सप्लेन करते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये हमारे पास पावर की बड़ी यूनिट्स हैं. यानी कोई खास काम किसी खास टाइम में होता है तो उसे हम पावर कहते हैं. उसके अलावा पावर की एक और डिफिनीशन भी हम करते हैं, लेकिन उसे हम डिराइव करते हैं कि भाई कैसे उसे डिराइव कर सकते हैं. अगर इसी फॉर्मूले को देखा जाए, सो वी हैव पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी. पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी. देखिए, हमें पहले से पता है कि जो वर्क डन है वो हमारे पास एफ एस के बराबर है या एफ डी के बराबर है, डिवाइड बाई टी. वर्क डन की जगह हमने एफ डी पुट कर दिया. लेकिन हमें ये भी पता है कि डी बाई टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी. अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं. तो जब डी बाई टी की जगह आप वी पुट कर दें, सो पी इज इक्वल टू हमारे पास यानी कि एफ डॉट डी है हमारे पास वर्क डन, सो इट विल बी इक्वल टू एफ डॉट वी. यानी कि आई कैन से दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. मैं ये भी कह सकता हूं कि पावर जो है वो वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है. सो दिस इज यानी कि अनदर डिफिनेशन. हम पहले से दो डिफिनेशन कर चुके हैं और ये इसकी तीसरी डिफिनेशन है पावर की, दैट इज द पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. तो अगर हम इस रिलेशन को देखें, सो पी और टी आपस में इनवर्स रिलेशन में है. यानी कि अगर मैं कम टाइम में ज्यादा काम करूंगा, ठीक है, अगर एक काम मैं कर रहा हूं, सपोज मैं कम टाइम सिक्योर करता हूं, कम टाइम लगाता हूं, कंज्यूम करता हूं, तो मेरे पास पावर ज्यादा होगी. और अगर मैं ज्यादा टाइम लगाऊं तो मेरे पास पावर कम होगी. सो दैट इज वाई जितना हम कम टाइम में काम करेंगे सो हमारे पास उतनी हमारी पावर ज्यादा होगी. जितना हम ज्यादा टाइम में काम करेंगे उतनी हमारे पास पावर कम होगी. पावर की एक और यूनिट भी है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर. हॉर्स पावर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर. ये भी पावर की एक यूनिट है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वन हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट्स के बराबर होता है. यानी कि एक हॉर्स पावर में हमारे पास 746 वाट्स होते हैं. तो ये हॉर्स पावर की हम कह सकते हैं कि हॉर्स पावर वाट की एक बड़ी यूनिट है. जिस तरह हम मेगावाट या गीगावाट कहते हैं तो वो तो हमारे पास प्रीफिक्स लगा के बड़ी यूनिट बन जाती है, लेकिन हॉर्स पावर जो है वो हमारे पास पावर की एक बड़ी यूनिट है. सो इसके अलावा अगर इसी फॉर्मूले को मैं ले लूं, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, इज इक्वल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी. तो अगर इसे मैं वर्क डन निकालूं, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पी टी. वर्क डन विल बी इक्वल टू पी टी. सो इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए एक और यूनिट है दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर.
अब किलोवाट आवर बेसिकली क्या है या किलोवाट आवर में क्या क्या आता है, सो यहां एक्सप्लेन करते हैं. किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है. इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक यूनिट है जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं. कहां से निकली है? यानी कि अगर हम जो पावर है, पावर को वाट में लें, किलोवाट में, और जो टाइम है उसे आवर में ले लें, सो हमारे पास जो यूनिट आएगी दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आएगी. कैसे? मैंने पहले से फॉर्मूला लिखा हुआ था W इज इक्वल टू पी टी. अगर मैं यहां पावर जो है वो मैं किलोवाट में लेता हूं, जिसे दिस इज 1 किलोवाट, और टाइम को मैं आवर में लेता हूं, सो जो यूनिट आएगी दैट इज किलो वाट आवर. सो दिस इज वर्क डन, यानी कि एनर्जी. So I can say that this is electrical energy. Electrical energy. Kilowatt hour electrical energy की unit है. इसके अलावा इस 1 किलोवाट आवर को, यानी कि अगर एक घंटे में आप 1000 वाट इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी 1 किलोवाट आवर यूज कर रहे हो, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज कर रहे हो. एक घंटे में अगर आप 1000 वाट पावर इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जो है 1 किलोवाट आवर की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो. इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर को हम एक और वैल्यू भी नाम भी देते हैं, दैट इज द कमर्शियल यूनिट. इसे कमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है. कमर्शियल यूनिट कैसे कहा जाता है? यानी कि जिस तरह हम नॉर्मल बात करते हैं वापदा के केसेस में कि भाई यूनिट इतनी की हो गई है या यूनिट इतनी की हो गई, बिजली की यूनिट की हम बात करते हैं, तो ये वो वाली यूनिट है. यानी कि अगर मैं एक घंटे में मैं 1000 वाट की बिजली इस्तेमाल करूंगा, 1000 वाट की पावर इस्तेमाल करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक यूनिट कंज्यूम कर ली है. बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड 1 यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट. तो इसका मतलब होगा कि मैंने एक यूनिट की बिजली जो है वो इस्तेमाल कर ली है. तो इस तरह इस्तेमाल करते हुए, यानी कि यूज करते हुए, अगर मैं देखना चाहूं कि इस 1 किलोवाट आवर की एनर्जी में 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी आती है, तो इजिली मैं मालूम कर सकता हूँ. कैसे मालूम कर सकता हूँ? लुक एट दिस. 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू, किलो जो है हमें पता है कि दैट इज 1000 के बराबर होता है, और एक घंटे में हमारे पास जो है वो 3600 सेकेंड होते हैं. तो यहां मेरे पास 1000 वाट, यानी के इस तरफ हमारे पास वाट और सेकेंड आ गए. किलो वाट एंड आवर का सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 लाख आ जाएगा वाट सेकेंड. एंड वी ऑल्सो नो दैट वाट सेकेंड की अगर मैं इस यूनिट को यहां ले लूं, यानी कि यहां ले लेते हम कि W इज इक्वल टू पी टी. सो पावर की यूनिट वाट और टाइम की यूनिट सेकेंड, और हम इस यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं? जोल. तो यानी कि इस वाट सेकेंड की जगह मैं जोल लगा सकता हूं. सो थ्री, इसको मैं ऐसे भी साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकता हूं, 3.6 × 10 पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोल. यानी कि 1 किलोवाट आवर में हम इस्तेमाल करते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जोल. अगर आप एक घंटे में 1000 वाट की पावर इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप 3.6 × 10⁻⁶ जोल की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो उस वक्त. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड होप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोज अपलोड कर सकें. थैंक यू वेरी मच.